ये मेरा फ्रेंड आ गया, अगर मैं अकेला रहता तो यहाँ पे पूरा खज्जल हो चुका था। पता नहीं यार किसको बुलाता फिर अगर अकेला रहता तो। अभी स्टार्ट नहीं हो रही भाई, तो इसको हम लोग को पैदल घर लेके जाना पड़ेगा यार। ऑफ रोडिंग के चक्कर में क्या हो गया, पूरा हालत खराब हो चुका है। ये पीछे था ना भाई, पूरा कीचड़, यहाँ का जो पूरा कीचड़ है ना भाई, पूरा फेस दिखा, एक बार फेस दिखा रहा को। थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले भाई ऑफ रोडिंग जो कि एक्सट्रीम लेवल की होगी भाई। तो ये चेक करो भाई, स्टार्टिंग से ही आप लोग को ऑफ रोडिंग इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप लोग घर से ब्लॉग स्टार्ट रोज करता हूँ ना भाई, तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सीधा जो है ऑफ रोडिंग करना शुरू कर दिया। देख रहे हो भाई, रोड चेक करो, अपनी रैप्टोर आज खज्जल होने वाली है। जितना साफ सुथरा दिख रहा है ना भाई, पूरा खज्जल होने वाली है अपनी रैप्टोर, साथ में अपन भी आज खज्जल होने वाले हैं। के सस्पेंशन गाइस, हमसे ये भी पता चल जाएगा कि आज यामा जो है ना कितने तगड़े सस्पेंशन बनाती है, बट जो छोटे मोटे गड्ढे हैं ना भाई उससे पता नहीं चल रहा है जिस तरह का बाइक चल रहा है अभी। नॉर्मली तो पता चलते ही है, लेकिन इस तरह का गड्ढा है ना भाई, उतना ज़्यादा मेरे को फील नहीं होने दे रहा है कि भाई यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा है टाइप्स। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को शेयर कर दो। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया था कि भाई चलो ऑफ रोडिंग करने चलते हैं, बट वो लोग ना गाइस बिजी है। सो गाइस ये चेक करो यार, फर्स्ट बार हम लोग जो है हल्का सा वो क्रॉस करने वाले। ओ भाई ये क्या भाई ये क्या था यार पूरा मैंने आप लोग को पहले ही बोल के रखा है भाई, आज जो है ना अपनी रैप्टोर पूरी खज्जल होने वाली है। तो अभी जो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करे उससे अपनी रैप्टोर की पूरी वाट लग चुकी है। तो अभी हम लोग नदी के अंदर जाएंगे भाई, देखते हैं यार नदी क्रॉस करने का कोशिश करेंगे। चमकती हुई आई थी अपनी रैप्टोर और अभी मैं भी पूरी तरह से गंदा हो चुका हूँ। मैंने जानबूझ के आज जो है ना भाई लोअर वेयर करें और शूज वेयर करें, क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा आज कीचड़ से नहाने वाला हूँ। कोई आइडिया नहीं है भाई कि यहाँ कितनी गहराई है, तो अभी चलते हैं भाई जल्दी से। और मेरे साथ कोई नहीं है, देख सकते हो, एक मेरा फ्रेंड था जो कि वहाँ पे कीचड़ हो गया तो वो वापस चला गया भाई। अभी मैं उसको फ़ोन करके फिर से बुलाया हूँ, मे बी वो आ जाए। और अपने फ्रेंड्स को मैंने बोला था कि यार चलो ऑफ रोडिंग करने चलते हैं, बट किसी के पास टाइम नहीं था भाई, तो हम लोग खुद से निकल के आ चुके भाई साहब। पीछे जो टायर स्किट हो रही है ना, क्या बताऊँ आप लोग को। ये चेक कर रहे हो भाई, तो भाई इस वीडियो पे ज्यादा नहीं यार 1 लाख व्यूज चाहिए मेरे को भाई साहब। पूरा खज्जल होने वाले हैं आज अपन। वो गए भाई, यार यहाँ पे पाइप लगा दिया है। फ्रेंड का पूरा हालत खराब हो चुका है। ये पीछे था ना भाई पूरा कीचड़, यहाँ का जो पूरा कीचड़ है ना भाई, पूरा फेस में गया। एक बार फेस दिखा ना अब, एक बार दिखा ना फेस, दिखा इसके पूरे फेस पे झुक चुका, दिखा ना एक बार फेस दिखा क्रॉस करना है ना भाई, ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। अभी जो है हम लोग टापू क्रॉस करेंगे यार, देखते हैं वो गाइस। अपनी गाड़ी जो है पूरी तरह से गिर चुकी है भाई गाइस, यहां से पूरा पानी निकल रहा है यार। चिपक गया, करके देखो, करके देखो
प्रॉब्लम होगी लग रहा। मार ना धक्का मार। दिन खराब था भाई आज का। चल ना ऊपर चढ़ा। ओ ये क्या है बे? न्यूट्रल ही तो है। क्या है भाई? रुकना। रुक जा। उठा। ले बे धकेल। उठाना। धकेल रहा हूँ। आगे कर। अबे रुक रुक। नहीं होगा, यहाँ फंस गया है शायद दलदल में गाइस। यहाँ से हमको वापस भी लेके जाना है भाई। तो गाइस अपनी जो गाड़ी है भाई अभी स्टार्ट नहीं रह रही है भाई, पता नहीं क्या हो गया यार। आप लोगों ने देखा पूरा डूब गया था, शायद फिल्टर में पानी वानी गया होगा। तो अभी कुछ करते हैं इसका, अभी पानी निकलने देते हैं यार। गाइस यहाँ से पूरा पानी निकल रहा है, साइलेंसर में पूरा पानी तो नहीं गया। उठा तो पकड़े रहा भाई, पकड़ पकड़ भाई। दो लोग आने का यही। अबे कूलेंट गिर रहा है, उठा उठा। सो गाइस यहाँ पे पूरा कूलेंट वूलेंट गिर चुका है यार। अभी रहना भाई, यहाँ पे पूरा पानी पानी हो चुका है जिसके कारण गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं ले रही है। मत कर मत कर, पता चल रहा धकेलते हुए घर लेके जाना पड़ रहा है। हम लोग अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे यार जो कि गैरेज वाला है, देखते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार, नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा, वोल्ट ही नहीं पकड़ रहा यहाँ पे भाई। डर लग रहा है यार कहीं ज़्यादा खर्चे ना हो जाए इसके। तो पता चल रहा है फिर लग गए मोटा खर्चा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गाइस ये चेक करो भाई, मेरा फोन भी अभी गिर चुका है। हेलो। हाँ बोल। अबे मेरा गाड़ी पानी अंदर चल दिया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। कोई एम्प्टी? हाँ। कौन पास? नदी में पूरा डुबा दिया था और गिर गया। हाँ। साइड स्टैंड लगाए थे तो मैं पार्क में हूँ, टाइम लगा मेरे पाने। कितना टाइम? शाम भी हो सकता है। इसमें क्या गया होगा? फिल्टर में पानी गया होगा और कुछ नहीं हुआ ना? ज्यादा तो नहीं डूबा था ना? नहीं थोड़ी देर डूबा था फिर मैं उठा लिया। फिल्टर को पहले निकाल देना। कहाँ से निकलेगा? टंकी खोलना पड़ेगा। हाँ वो तो है। तो सीट खोले, स्टार्ट करूँ कि नहीं? अभी मत करना, अभी एक दो में चला जाएगा पानी। एक दो बार किया। मत करना। ठीक है, कब तक आएगा? काम हो जाएगा। फिर कैसे करूँ इसको, घर ले जा रहा हूँ? घर ले जा रहा। मेरा पूरा फोन भी गिरने वाला है भाई, दिन ही खराब है गाइस आपका। सीरियसली हम लोगों ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी, शायद वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इंजन में पानी चला गया होगा ना भाई तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ये चेक करो यार, हम लोगों ने अभी सीट को जो है खोल दिया तो पूरा पानी जो है अंदर चला गया है भाई। ये पूरा पानी को सुखाना पड़ेगा और अभी जो है धूप भी नहीं निकल रहा है, तो खज्जल पूरी तरह से हम लोग फंस चुके हैं यार भाई। मेरे को लगता है गाइस यहाँ से जो है पूरा पानी चला गया है, तो इस चीज़ को खोल के साफ करने से मे भी साफ हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। फिर ये सब अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हो गए ना भाई तो फिर ऑफ रोडिंग के लवड़े लग जाएंगे हमारे। सो गाइस अभी पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कुछ आता भी तो नहीं है यार इसका मेरे को। भाई आओ ना, उठाने लगोगे? सो गाइस गहराई देख रहे हो भाई, वो लोग पूरा नदी क्रॉस करके आ रहे हैं हमारे लिए। तो अभी जो है ना भाई इसको हम लोग उठा के देखते हैं यार, अगर पानी निकल जाती है तो अच्छी बात है यहाँ से। अब निकल रहा है, निकलेगा ना अब? क्या है यदि यहाँ से निकल रहा है? आ तो रहा है लेकिन ना के बराबर, बोल ना। कहाँ से चालू होगा बे पागल इंसान, है कि नहीं? सो गाइस ये चेक करो यार, पूरा पानी भरा था अपने फिल्टर में, गाड़ी के फिल्टर में, तो कहाँ से चालू होगा भाई? इतना सारा पानी कहाँ से? भाई इतना जल्दी इतना सारा पानी कैसे चला गया यार? ए भाई भाई भाई, लाइट टेल लाइट जाएगा, टेल लाइट ब्रेक लाइट। भाई साहब
कूलेंटर नीचे रख दो, रख दो नीचे रख दो। रुक रुक, क्या तो है, मेरे को काट रहा था, मैं पकड़ा। क्या था भाई? रैप्टर है, अभी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई, तो इसको हम लोगों को पैदल घर लेके जाना पड़ेगा यार। ऑफ रोडिंग के चक्कर में क्या हो गया, ये चेक करो, पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ मैं, तो अभी खुद को साफ कर लेते हैं भाई, अब धक्का मार के ही पैदल लेके जाना पड़ेगा। शुक्र है भाई ये मेरा फ्रेंड आ गया, अगर मैं अकेला रहता तो यहाँ पे पूरा खज्जल हो चुका था, पता नहीं यार किसको बुलाता फिर अगर अकेला रहता तो। इसको लेके चलते हैं घर, चल पैदल ही लेके जाना पड़ेगा यार, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना गाइस 10 किलोमीटर दूर है हम लोग अपने घर से, तो अभी इसको पैदल लेके जाने में हम लोगों की वाट लगेगी यार, बस अब गिर ना जाए यार अपनी रैप्टोर। गाइस इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई, आज तक हम लोगों को इसने धोखा कभी नहीं दिया था, लेकिन बोलते हैं ना तुम अति करोगे तो फिर सामने वाला भी अति करेगा ही, तो अभी चलते हैं यार। वाट लग गई भाई, सीरियसली इतने में ही वाट लग गई, बिकॉज ये रेत है ना भाई, रेत में चढ़ा ना बोलने, समझ रहे हो। पीछे से देखो भाई मेरा फ्रेंड धकेल रहा है, तब जाके मैं गाड़ी को थोड़ा सा भी हिला पा रहा हूँ, अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। धकेल जितने फन करते हुए आए थे ना भाई, पूरा फन निकल गया यहाँ के, सीरियसली। नीचे उतारना है क्या, ये साइड से लेके गड्ढा होगा ना, मैं उतरूंगा तो फिर गाड़ी कौन सा मालेगा वे पागल है, देखते हैं। हाँ चल धकेल, अकेले ही धकेलना पड़ेगा क्योंकि मेरी ताकत ही नहीं लगेगी। रुकना पर, रुक पहले गड्ढा देखने दे भाई, अगर हम लोग स्टार्टिंग में गड्ढा देख के क्रॉस करते ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, लेकिन अभी हम लोगों का पूरा हालत खराब हो चुका। तू तो पराठा खा के आया, तो मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ। पीछे धकेल, वही तो बना रहा। अब सामने धकेल, सामने धकेल ना बस। धकेलना बे, धकेल धकेल, लिटरली यार एक्सपेक्ट ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। ऊपर से ले जाऊं, रुक रुक रुक, ऊपर से ले जाएगा चूतिया। पकड़ पकड़ पकड़, धकेल थोड़ी दूर वहां तक। अब तेरे को चढ़ा के धकेल, मादा मच्छर बोलता है। रुक रुक रुक, रोज सुबह सुबह ऐसे एक्सरसाइज करानी पड़ती है। रुक जा। सो गाइस मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ भाई, अभी मेरे को सोने का मन कर रहा है। गाइस ये मेरा सच्चा फैन है यार, अगर ये नहीं रहता ना तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं नीचे से ऊपर आ पाता, हर जब भी मैं मुसीबत में रहा ना भाई तब तब ये मेरे साथ खड़ा था। 2000 years later. ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे 1 घंटे तक वेट कर लिया यार, अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सो भाई ये चेक करो यार, अपनी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है भाई, मेरे को डर था यार कि गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, तो अभी अपने फ्रेंड को जो है कॉल करके बोल देते हैं यार, बट भाई समझ रहे यार गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई, मेरे को लग ही रहा था कि फिल्टर में जो है पानी चली गई है जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बट अपनी गाड़ी स्टार्ट हो रही है भाई, मतलब एक्साइटेड देख रहे हो भाई मेरी फेस पे, ये चेक कर रहे हो भाई, पूरा पानी चला गया था यार सीरियसली भाई, ये पूरा गंदगी भाई, पूरा गंदा पानी यार। शागाई
भाई अपने रैप्टर यार। आगे चल के ना गाइस इससे भी तगड़ी तगड़ी कंटेंट आपको मिलने वाली है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को शेयर कर दो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अच्छी सी ब्लॉग में, तब तक के लिए वी सेफ एंड राइट सेफ।